दादी को फोन भी दिलाता है और दादी को फोन करके अपनी सारी बातें भी सुनाता है और दादी से कहानियां सुनता है। लेकिन समाज की दुर्दशा देखिए कि हम सभी लोग आज सुख सुविधाओं को पाने के लिए गांव छोड़ शहर में जा रहे हैं, अपनों को छोड़कर तराइयों की भीड़ में जमा हो रहे हैं और अपनों को भूलते जा रहे हैं। एक कहानी ठंडी होती साहेब बहादुर जो सरकारी कामकाज और सरकारी व्यवस्था पर करारा दंश करती है और कहते हैं कि हम जो होते हैं वो दिखते नहीं है और जो नहीं होते हैं कभी कभी वो दिखते जाते हैं, दिखाई दे जाते हैं। उसी प्रकार से सरकारी कामकाज में जो लेट तकलीफी होती है उसका बहुत ही अच्छे शब्दों में इस कहानी के वर्णन किया गया है और लेखक कहते हैं कि जो काम हम लोग फील्ड में करते हैं वो काम जब हम सरकारी कामकाज में आते हैं और सरकारी दफ्तरों में जाते हैं तो उसकी परिभाषा बदल जाती है। फील्ड का काम और सरकारी दफ्तरों का कामकाज दोनों में बहुत अंतर पाया जाता है और जो इंसान फील्ड का काम करता है सरकारी दफ्तरों में काम करने जब वो आता है तो उसकी सारी बहादुरी वहां पर रफू चक्कर हो जाती है। और टूटी हुई कमर एक कहानी है और जिसमें एक महिला चुनाव लड़ती है जो एमए पास मिला है लेकिन समाज की दृष्टि देखे या समाज का देखने का नजरिया ये है इसीलिए क्योंकि वो एक महिला है और यदि वो चुनाव जीत जाएगी तो इस तथाकथित सभ्य समाज में या पुरुष प्रधान समाज में पुरुषों की साख कम हो जाएगी। और इसके साथ साथ इन कहानियों में बहुत ही सरल सटीक भाषा का प्रयोग लेखक ने किया है जिससे पाठकों को इन कहानियों को समझने में कठिनाई नहीं होगी। साथ साथ कहीं पर पहाड़ी के शब्दों का उपयोग किया गया है जिससे कहानी और कहानी की सजावट और कहानी का रूप काफी रोचक और मनस्पर्शी हो गया है क्योंकि हम लोग ग्रामीण परिवेश के रहने वाले लोग हैं और अक्सर सभी लोग पहाड़ी बोली को